अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम स्पेनिश का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। ये स्पेनिश का बेसिक लेसन नंबर 1 है। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको इंग्लिश का कोई लफ्ज नहीं आता या आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन लेसन्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरी मिलेगी और इसके साथ साथ आपको एक नई लैंग्वेज भी आ जाएगी। तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। तो चले शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा क्या है लेसन। विच ऑफ दीज इज द गर्ल, इनमें से गर्ल कौन सी है, लड़की कौन सी है। तो उर्दू में तो गर्ल को लड़की बोलते हैं, स्पेनिश में क्या बोलते हैं? ला नीना। ला नीना औरत या लड़की के लिए ला लगता है, इंग्लिश में तो दा लगता है सबके लिए, जैसे दा बॉय, दा गर्ल, ठीक है। लेकिन ये स्पेनिश में लड़की या औरत के लिए ला लगेगा। अभी फ़िलहाल इतना ही सीखिए, आगे जाके खुद आपकी समझ में आता जाएगा। तो स्पेनिश में क्या बोलते हैं लड़की को? ला नीना। आगे बढ़ते, विच ऑफ दीज इज द मैन, इनमें से आदमी कौन सा है। द मैन को उर्दू में बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे? आदमी। और स्पेनिश में क्या बोलेंगे? एल होम्ब्रे। एल होम्ब्रे, लड़के या आदमी के लिए एल लगता है, एल मतलब दा होता है। अभी फिलहाल आप इतना सीखें, एल होम्ब्रे। स्पेनिश में क्या बोलते हैं आदमी को? एल होम्ब्रे। आगे बढ़ते, ला नीना। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, ला नीना, अभी हमने पिछला पहले पढ़ा ना, ये ला नीना मतलब होता है द गर्ल, उर्दू में बोलेंगे लड़की। विच ऑफ दीज इज द वुमेन, इनमें से औरत कौन सी है। वुमेन को उर्दू में क्या बोलते हैं? औरत। और स्पेनिश में क्या बोलेंगे? ला मुखेर। ला मुखेर, इसमें जे की आवाज़ नहीं आएगी, मुजेर नहीं पढ़ेंगे, मुखेर पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं? ला मुखेर। ला मुखेर स्पेनिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द वुमेन, उर्दू में औरत। आगे बढ़ते, विच ऑफ दीज इज द बॉय, इनमें से लड़का कौन सा है। बॉय को क्या बोलते हैं उर्दू में? लड़का। तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? एल नीनो। एल नीनो, क्या बोलेंगे? एल नीनो। बॉय को क्या बोलेंगे? एल नीनो। आगे बढ़ते, एल नीनो। एल नीनो इसका मतलब होता है द बॉय, लड़का। आगे बढ़ते, एल नीनो ला नीना। टेप वाटी है जो आपने सुना, उस पर टेप करें, हम दोबारा सुनते हैं सिलो में। एल नीनो ला नीना, एल नीनो। एल नीनो द बॉय हो गया। देखिए बॉय या लड़के या आदमी के लिए एल लगता है, एल का मतलब दाई होता है। ला नीना, ला नीना मतलब होता है द गर्ल, ला मतलब भी दाई होता है, लेकिन औरत और लड़की के लिए ला लगेगा। अभी फिलहाल इतना सीखें, आगे खुद समझ में आता जाएगा।
तो क्या पूछा गया हमसे स्लो में सुनते? एल नीनो ला नीना। एल नीनो मतलब लड़का, दा बॉय, ला नीना मतलब लड़की, दा गर्ल। आगे बढ़ते। यो सोय उन नीनो। यो सोय उन नीनो। इसका मतलब उर्दू में होगा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। टाइप करते। क्या था, दोबारा सुनते। यो सोय उन नीनो। यो सोय उन नीनो। Yo soy una mujer. Translate this sentence. Yo soy una mujer. उर्दू में बोलेंगे मैं एक औरत हूँ। तो इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? I am a woman. इसमें यहाँ पर उना जो आ रहा है, उना मतलब हाँ होता है। ये भी लड़की और औरत के लिए होना ही लगेगा, ठीक है? और आदमी और लड़के के लिए उन लगता है। आगे बढ़ते। द बॉय द गर्ल, सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन। इनमें से कौन सी सही ट्रांसलेशन है, हमें ये चूज करना है द बॉय द गर्ल की। एल नीनो ला नीनिया, यही पढ़ा था ना हमने पीछे। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। आई एम अ मैन, मैं एक आदमी हूँ। इसको किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? यो जो सोए सोई उन उन ओम्ब्रे ओम्ब्रे, ठीक है? अभी मैंने बताया ना, उन मतलब और उना मतलब भी एक होता है, लेकिन उन लगेगा लड़के और आदमी के लिए, उना लगेगा लड़की और औरत के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। आई एम अ वुमेन, मैं एक औरत हूँ। उर्दू में इस तरह बोलेंगे, तो स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे? यो यो, यो मतलब होता है आई, मैं। सोय सोय मतलब होता है एम। उना उना मतलब होता है एक। यो सोय उना मुखेर मुखेर, मुखेर मतलब होता है औरत। आई एम अ वुमेन, मैं एक औरत हूँ। इसको स्पेनिश में इस तरह से बोला जाएगा यो सोए उना मुखेर। तो फ्रेंड्स, ये था स्पेनिश बेसिक लेसन नंबर 1। बेसिक लेसन नंबर 2 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।